दोस्तों नमस्ते, मैं प्रकाश यादव आईपैड सेंटर से टेक्नोलॉजी सेंटर से आपका दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि नए नए वीडियो हम लोग हमारे घर ऑडियंस के लिए बनाते रहते हैं, कि हमारे ये उद्देश्य रहता है कि वेल्डिंग के बारे में कुछ ना कुछ उनको नए जानकारी दी, जैसे नए नए प्योरिटी बन रहा है या नए नए हम लोग मटर को कॉम्बिनेशन का वेल्डिंग करते हैं, उसके बारे में हम लोग को अच्छा लगता है कि हमारे ऑडियंस को उसके बारे में जानकारी देना। दोस्तों आज मैं आपको इंफोनल का जो पाइप है उसका वेल्डिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में आज आपको हम लोग इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। इंफोनल टू इंफोनल का 8 इंच NB का पाइप है, तो 8 इंच NB के पाइप में आपको कर्विंग कैसा करना है और कैसे वेल्डिंग करना है, सिंगल बी जॉइंट में फुल पेनिट्रेशन जॉइंट कैसा करना है वो आपको हम लोग अभी सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये कर्विंग करने के लिए हम लोग ने देखा कि एक्स्ट्रा और वन का हम लोग ने यहाँ पे सिलेंडर लगाया हुआ है, यहाँ से डायरेक्टली ये कॉपर ट्यूब है, कॉपर ट्यूब को हम लोग प्लॉट किया हुआ है और इसको हम लोग इसको अंदर पुश करने वाले हैं पर्जिंग के लिए पाइप को, कॉपर पाइप को। और पुश होने के बाद में यहाँ पे इसको हम लोग एंडिंग के लिए यहाँ पे प्लास्टिक का बूट लगाया हुआ है, ठीक है। और उससे अनदर एंड में हम लोग यहाँ पे ग्लास फूल डालने वाले हैं, अनदर एंड में ग्लास फूल डाल के उसको हम लोग ब्लॉक करने वाले हैं। अभी दोस्तों इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्मन का वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग क्रोमियम ऑक्साइड अगर से हम लोग क्रोमियम के साथ में ऑक्सीजन अगर से उनके संपर्क में आ जाएगा तो क्रोमियम ऑक्साइड बनेगा, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं पीछे से आर्मन का शेडिंग दे रहे हैं। तो आर्मन क्या है, न्यूट्रल गैस है। दोस्तों हम लोग अभी क्या करेंगे, इससे 1 mm में 1.6 का गैप रखेंगे, इसको 1 mm का हम लोग ने रोप पेस्ट रखा है, 1 mm का हम लोग अभी इसको गैप रखने वाले हैं, एक टाका यहाँ पे मारने वाले हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन हम लोग उससे वेल्डिंग चालू करने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे ही अभी हम लोग यहाँ पे टैकिंग कर रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग यहाँ पे भी टैक करने वाले हैं। यहाँ पे टैकिंग करके उसके अपोजिट डायरेक्शन में से हम लोग वेल्डिंग चालू करेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए कि इसमें जो पेनेट्रेशन जो आप देखोगे तो पूरा अच्छे से आया हुआ है, जूम करके देखिए आप इसमें देखो कि पेनेट्रेशन पूरा अच्छी तरह से आया हुआ है। तो दोस्तों ये प्रॉपर आप करंट और ये करके आप वेल्डिंग करते हो तो दोस्तों अभी देखोगे कि फ्रंट से भी वेल्डिंग अच्छी है और पेनेट्रेशन भी इसका अच्छा है। तो इंफोनल वेल्डिंग करने के टाइम आपको यही ध्यान में रखना है कि करंट एकदम प्रॉपर रखना है, बैक पर्जिंग और फ्रंट से भी आपको गैस का प्रॉपर प्रेशर ये रखना है और एच का रुपये से 1 mm करके आपको वेल्डिंग करना है। तो दोस्तों हम लोग नए नए वीडियोज आपके लिए लेके आएंगे,
वेल्डिंग का थ्योरेटिकल नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज आपको हम लोग देते रहेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हम लोग जो नॉलेज दे रहे हैं जो प्रैक्टिकल डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को कैसा प्रैक्टिकली वेल्डिंग कर रहे थे वो एक्सपीरियंस सब देखने के लिए मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुँचे, इसलिए आप इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और गोविंद जी, आपको हम लोग वेल्डिंग करने का भी आपको क्या लगता है, आपको कैसा लग रहा है? तो हम लोग यहाँ पे आए थे तो इस कंपनी में ट्रेनिंग लेने के लिए, यहाँ पे सीनियर वेल्डर थे, हम लोग हमारे करें तो आगे प्रोफेशनल वेल्डिंग जो भी वेल्डिंग करते हैं उनको सिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। तो हम लोग पूरा हम लोग वीडियो बना चाहते हैं, तो अपने नए नए वीडियो चाहिए हम लोग आपके लिए देखते रहेंगे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो जरूर दीजिए। हम लोग को भी एनर्जी मिले कि आपके लिए क्या मदद कर, हम लोग को भी खुशी होगी। बहुत ही लाजवाब रेटिंग आया हुआ है।